हाय गाइस, आज हम बनाएंगे नाश्ता गेहूं के आटे का। तो यहाँ पर हम ले लेंगे शाम का बचा हुआ गेहूं का आटा। शाम का बचा हुआ गेहूं का आटा आप फेंके नहीं, कुछ इस प्रकार से उसका अच्छा से नाश्ता बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका हम अच्छे से पहले मसल मसल कर चिकना करेंगे और इसकी एक लोई बना लेंगे। इस तरीके से हम इसको बेल लेंगे। अब बेल के एक रोटी से बड़ा थोड़ा साइज का बेल करके तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर हम ले लेंगे एक आलू जिसको हमने कद्दूकस कर लिया है और कॉटन के कपड़े में डाल के पानी अच्छी तरीके से निचोड़ लिया है। तो यहाँ पर हमने आलू को सारा फैला दिया। अब यहाँ पर हम मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले में हमने यहाँ लाल मिर्च ऐड कर दिया है, यहाँ पर कम तीखा मिर्च ऐड करेंगे, नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार, यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर अच्छी तरीके से ऐड कर देंगे, हल्दी ऐड कर देंगे, नमक स्वाद अनुसार यहाँ पर ऐड करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे फ्रेंड्स कि आगे चल के रेसिपी को देख लेंगे। यहाँ पर धनिया ऐड कर देंगे, जीरा मसाला। अब यहाँ पर हम ले लेंगे चाट मसाला, हल्का हल्का चाट मसाला ऐड कर देंगे। अच्छी तरीके से ऐड करना है, पूरे में अच्छे से फैला देना ताकि हमारी रेसिपी बहुत ही तीखी चटपटी और स्वादिष्ट बने और बच्चों को बहुत पसंद आए और हेल्दी भी होता है। यहाँ पर मैदे का इस्तेमाल नहीं किया गया है, सारी चीज़ें जो हैं वो हेल्दी हैं। अब यहाँ पर हम करी पत्ता फैला देंगे अच्छी तरीके से। करी पत्ता जो होता है बहुत ही खुशबूदार होता है और बहुत सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसी के साथ यहाँ पर हम कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे ताकि हमारे हरी धनिया का अच्छे से खुशबू आए और बच्चे इसको और भी चाव से खाएं, बहुत पसंद करते हैं बच्चे, मैं अक्सर इसे बनाती हूँ। अब यहाँ पर एक कटा हुआ हरा मिर्च हम ऐड कर देंगे। इस नाश्ते को बनाने में आपका कोई खर्चा नहीं लगने वाला, बस बचा हुआ आटा थोड़ा सा ले लें, इसको फटाफट से बना करके तैयार कर लें। तब हम इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे हल्के हाथों से, इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है। ऐसे हमें फोल्ड करना है। अब हमको इसे साइड से बंद कर देना है, इस तरीके से इसको हमें दबा देना है साइड से ऐसे, और बहुत ही टेस्टी नाश्ता ये बनता है। इस तरीके से इसको हम साइड से दबा देंगे ऐसे करके इसको। अब हम बीच से इसको काट के दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे ऐसे, और इसको भी हम बंद कर लेंगे। अगर बंद करने में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप हल्का सूखा आटा लगा सकते हैं, फिलहाल मैंने ऐसे ही बंद कर लिया। अभी इस प्लेट में रखकर हमें इसको पकाना है भाप में। भाप में हमको इसको 15 से 20 मिनट के लिए पका लेना है ताकि अच्छे तरीके से ये पक जाए, तभी बहुत अच्छी से रेसिपी बन करके तैयार होगी। तो अब हम इसको ढक देंगे और ढकने के बाद 15 से 20 मिनट इंतज़ार करेंगे। 15 से 20 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो इसको ढक देते हैं। आगे की रेसिपी, यहाँ पर गेहूं के आटे में हमने हल्दी, नमक, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और हरा धनिया, हल्का नमक डाल के अब हम इसका पतला सा बैटर बना करके तैयार कर लेंगे पानी डाल के। इस तरीके से इसका बैटर बन करके तैयार है। इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी तो इसको हम साइड में रखते हैं। और ये देखिए फ्रेंड, मैंने थाली में ऑयल नहीं लगाया था लेकिन कितना अच्छा से निकला है। अब हम इसको काट लेंगे और बहुत ही अच्छे शेप में काट के इसको तैयार करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, बहुत आसानी से कट रहा है। ये देखो कितने अच्छे से पक कर के तैयार हुआ हमारा गेहूं का नाश्ता, तो गेहूं के आटे का है। अगर आप इसको चाहें तो तेल में फ्राई ना करें, डीप फ्राई कर सकते हैं, बस पैन में हल्का हल्का तेल लगा करके उसको फ्राई कर लें। तो इस तरीके से हमने सारे काट करके तैयार कर लिए हैं। अब हम फ्राई पैन में इसको फ्राई करेंगे। तो इस तरीके से मैंने चेक किया तो ऊपर आ गया है। अब हम इसमें एक एक करके ऐड करेंगे। तो पहले हम बैटर में इसको डीप करेंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे इस तरीके से, कुछ इस प्रकार से हमें सारे के सारे ऐड करके इनको पका लेना है। अच्छे से क्रिस्पी होने तक इन्हें पकाना है इस तरीके से, जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो देखिए कितना अच्छा और क्रिस्पी नाश्ता बन करके तैयार होता है। अभी आप देखना फ्रेंड्स कितना झटपट और कितना फटाक से बन करके तैयार होगा। और यहाँ पर मैदे का इस्तेमाल नहीं हुआ, बिल्कुल अनहेल्दी होता है मैदा। और यहाँ पर मैंने गेहूं के आटे की रेसिपी बना करके तैयार की है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमें इनको पका लेना है पलट पलट करके, ताकि ये बिल्कुल भी कच्चे ना रहे। पक तो वैसे भी गया है लेकिन हल्का इसमें पका लेंगे तो टेस्टी हो जाता है। इसके बाद ये पक चुका है, अब हम इसको बाहर कर लेते हैं।
तो आइए इसको बाहर कर लेते हैं और इसको सर्व करें। तो इसको हम चाय के साथ सुबह के नाश्ते में बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर में गेहूं का आटा शाम को रोटी बनाने से बच जाए तो इस तरीके की रेसिपी आप बना सकते हैं, फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रोटियां भी नहीं बनाना कि ज़्यादा हो जाए तो फेंकी जाए। इस तरीके से देखिए कितना अच्छा और कुरकुरा नाश्ता बन करके तैयार है। तो मिलते हैं ऐसे ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।